हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोरिडर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बता दिया था, और आज जो हम करने वाले हैं वो है डिफाइनिंग डेराइव्ड क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बेस क्लास होता है और उसके फीचर्स को इनहेरिट करते हुए डेराइव क्लासेस होते हैं, तो हम किन किन तरीकों से किसी भी बेस क्लास को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि हम डेराइव क्लासेस कैसे बनाएंगे, वही है हमारा आज का टॉपिक। याद रखिए, इनहेरिटेंस का ये बैकबोन है। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो फिर इनहेरिटेंस आप बड़े आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, एक तो वो ये बात है कि हमें अभी तक क्या पता था कि जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं दो होते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक आपको ऐसा नहीं कि दो ही पता, आपको पता चल ही चुका होगा कि अभी तक एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हमने पढ़े हैं वो होता है हमारा प्राइवेट। सबसे पहला क्या होता है, प्राइवेट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड, राइट। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है कौन सा, पब्लिक। यानी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और क्या, पब्लिक, ये तीन तरह के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। अब इन्हीं तीनों को जब हम इनहेरिटेंस में लेके आते हैं, व्हेन वी टेक इट टू वेयर इनहेरिटेंस, इनको अब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं कहते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर्स कब कहलाते हैं, जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास एंड नॉट ऑब्जेक्ट। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इट इज कॉल्ड व्हाट, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। मतलब एक नया टर्म बन के आता है, दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर्स का, ठीक है। अब यही सेम चीज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जब इनहेरिटेंस में बोलते हैं तो विजिबिलिटी मॉडिफायर्स बोलते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बोलते हैं तो एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं। यानी कि ये हुआ कि आप किसी भी क्लास को जब इनहेरिट करने जा रहे हैं, यानी उसके अंदर के फीचर्स को आप क्या करने जा रहे हैं, अब नए क्लास में लेने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि आप जो बेस क्लास है आपका, याद रखिएगा, जो आपका बेस क्लास है, उस बेस क्लास को जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो आप उस बेस क्लास को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं और डिराइव क्लास बना रहे हैं, मतलब डिराइव क्लास में उसको लेके आ रहे हैं, उसके फीचर्स को जो भी आप चाहते हैं इनहेरिट हो जाए, तो आप जो इनहेरिट करते हैं वो या तो प्राइवेट तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के जरिए, या प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के जरिए, या पब्लिक विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के जरिए क्या कर सकते हैं, आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब बेस क्लास कैन बी इनहेरिटेड using these three methods, private method, protected method and public method। मतलब किसी क्लास को, किसी भी क्लास को आप inherit कर सकते हैं, which will be referred as base class। और ये जो base class है आपका, inherit जब किया जाएगा तो वो तीन तरीके से inherit किया जा सकता है। तो अब हमें यही जानना है, यहाँ पे जो ये मेरा टॉपिक है कि डिफाइनिंग derived class, ये यही बोलता है कि अगर आप किसी क्लास को privately inherit करते हैं, या किसी क्लास को protectedly inherit करते हैं, या किसी क्लास को publicly क्या करते हैं, inherit करते हैं, तो क्या फर्क होता है इन तीनों में। ऑब्वियसली तीनों अलग अलग होते हैं, तो क्या आखिर होता है, किन किन सर्कमस्टांसेस में हम इन तीनों में से किसको यूज करेंगे। तो बेसिकली बस इतना जानिए कि जब हम कोई भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लिखते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, राइट, एग्जाम में आपको प्रोग्राम आ गया इनहेरिटेंस लिखने के लिए, तो आप हमेशा जो है किसका यूज करेंगे, पब्लिक का ही यूज करेंगे, क्योंकि सबसे आसान टाइप का एक्सेस देता है, ठीक है, मतलब डिफाइन करने में डिराइव क्लासेस को, तो आप हमेशा पब्लिक यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि जब हम डिफाइन नहीं करें कि हम इनहेरिट जो है वो प्राइवेटली कर रहे हैं, या प्रोटेक्टिवली कर रहे हैं, या पब्लिकली कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इनहेरिटेंस होता है वो होता है प्राइवेट, यानी कि प्राइवेटली आप क्या करते हैं, डिराइव करते हैं बेस क्लास को। सो ये है हमारा कि हमें अब ये जानना है कि जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, प्राइवेटली करेंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्टिवली करेंगे तो क्या होगा, पब्लिकली करेंगे तो क्या होगा। तो इसको मुझे समझाना है, पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझिए कि सारा का सारा इनहेरिटेंस आपका क्लियर है। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा इस चीज को समझने में, ध्यान समझिए। देखिए, हम अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करें, बड़े ध्यान समझिएगा, हम क्या करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में दो सेक्शन यूजुअली होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्शन, तीन मान लीजिए, अब प्राइवेट होता है, एक क्या होता है प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है पब्लिक होता है। किसी भी क्लास में तीन सेक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। हम अभी तक क्या जानते हैं, अभी तक हम यही जानते हैं ना
कि जो भी चीजें होती हैं पब्लिक में है ना, उसको हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यानी ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस वट एवर रिसोर्स इज देयर इन पब्लिक सेक्शन, यानी पब्लिक सेक्शन के अंदर जो भी चीजें होंगी वो यूज कर लेगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सही है, लेकिन ना ही ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोटेक्टेड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ना ही ये ऑब्जेक्ट प्राइवेट वाले को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इतना कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो अगर हमें किसी भी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट वाले सेक्शन को एक्सेस करना होता है तो हम थ्रू पब्लिक क्या करते हैं, जाते हैं। थ्रू पब्लिक हम क्या करते हैं, प्राइवेट तक भी जाते हैं या प्रोटेक्टेड पर भी जाते हैं। ये अभी तक का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है, मैं ध्यान सुनिएगा, मैं क्यों ना एक टेबल बना दूं, दैट टेबल विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। कि मान लीजिए कि हमारे पास प्राइवेट है, ठीक है, हमारे पास प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और हमारे पास पब्लिक है, तीन आइटम्स है, ठीक है, किसी भी क्लास में तीन आइटम्स होंगे। अब हम मान लीजिए इनहेरिट कर रहे हैं थ्रू प्राइवेट, थ्रू पब्लिक, सॉरी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड देन थ्रू व्हाट, पब्लिक। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारे वो हमारे वैल्यूज हैं, यानी कह सकते हैं डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं, डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस उस क्लास में है। किस क्लास के, बेस क्लास के, मेंबर फंक्शंस ऑफ बेस क्लास, बेस क्लास यानी जो हमारा बेस क्लास है, ठीक है, उस बेस क्लास के अंदर ऑब्वियसली बात है कोई भी क्लास होगा उस बेस क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन होगा, उस बेस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन होगा, उस बेस क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन भी होगा। और ये है मेरा विजिबिलिटी मॉडिफायर्स, यानी कि तीन तरीके से हम इनहेरिट कर सकते हैं, हम अपने बेस क्लास को तीन तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये जो है वो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर्स है। ये मतलब मैं इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है, किस तरीके से, प्राइवेट के तरीके से, किस तरीके से प्रोटेक्टेड के तरीके से, और किस तरीके से पब्लिक के तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, बहुत ही कॉशियसली समझने वाली बात है, याद रखिए। अगर आप किसी भी बेस क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो उस बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर चाहे आप प्राइवेटली इनहेरिट कीजिए तो भी, चाहे आप प्रोटेक्टिवली इनहेरिट कीजिए तो भी, और चाहे आप पब्लिकली इनहेरिट कीजिए तो भी, कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। यानी कि बेस क्लास का, ध्यान सुनिएगा, बेस क्लास का जो भी हमारा प्राइवेट सेक्शन होता है वो किसी भी तरीके से आप इनहेरिट करना चाहें, चाहे वो प्राइवेट तरीके से, चाहे वो प्रोटेक्टेड तरीके से, चाहे वो पब्लिक तरीके से, वो इनहेरिट नहीं होगा, याद कर लीजिए। नाउ अब हम कहते हैं कि जो हमारा बेस क्लास है उसका जो प्रोटेक्टेड मेंबर है, बेस क्लास के अंदर मौजूद प्रोटेक्टेड मेंबर, अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो प्रोटेक्टेड मेंबर प्राइवेट हो जाएगा, और उस बेस क्लास का पब्लिक मेंबर भी प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट कहां हो जाएगा, वेयर इट शुड इट इज गोइंग टू बी प्राइवेट। अब इसको एग्जांपल समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल देते चला जाता हूं, उस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी भी आती चली जाएगी, ठीक है। वो क्लैरिटी क्या कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है, एबीसी नामक क्लास है, इसमें क्या है, मान लीजिए प्राइवेट में मैंने कुछ रखा है, प्राइवेट में मैंने रखा है लीजिए ए और बी रखा है, ठीक है। प्रोटेक्टेड में मैंने मान लीजिए सी और डी रखा है, प्रोटेक्टेड में सी और डी रखा है, और पब्लिक में मान लीजिए मैंने रखा है क्या, गेट डेटा पुट डेटा, ठीक है, ये दो फंक्शन हमने रखे हैं मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूं, क्लास एबीसी को इनहेरिट कर रहा हूं, किस मोड में, प्राइवेट मोड में। कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे, अभी समझ दीजिए कि मान लीजिए मैं इस क्लास एबीसी को प्राइवेट मोड में इनहेरिट कर रहा हूं, एक नए क्लास में मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम क्लास में मैं इनहेरिट कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो हमारा जो ये है क्लास, ठीक है, इसके अंदर अपना भी एलिमेंट्स हो सकता है, हम अभी इसके अंदर क्या अपने एलिमेंट्स के नहीं बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके अंदर अपना, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है इसके अंदर अपना प्राइवेट सेक्शन होगा ना, इसके अंदर भी अपना पब्लिक सेक्शन प्रोटेक्टेड सेक्शन होगा ना, और इसके अंदर भी अपना क्या होगा, पब्लिक सेक्शन होगा ना, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए मान लेते हैं इसके अंदर ही मान लेते हैं, क्लैरिटी जब डालना है, हर चीज समझानी है तो समझा देते हैं। मान लीजिए इसमें था क्या, एम और एन था, इसमें O था, ठीक है, और इसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन था, मान लीजिए इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि एक हमारा क्लास था, ध्यान सुनिए, एक हमारा क्लास था एबीसी, इसमें ये वैल्यूज थे, एक हमारा क्लास था एक्स वाई जेड, उसमें हमारे ये वैल्यूज थे। अब हम क्या करते हैं, हमने ध्यान से सुनिएगा, हमने लिखा क्या
कि जब हम एक्स वाई जेड बनाने जा रहे हैं, ऐसे लिखते हैं हम क्लास एक्स वाई जेड बनाने जा रहे हैं और इनहेरिट कर रहे हैं प्राइवेटली, यहां लिखेंगे प्राइवेट और किस चीज को, एक्स वाई जेड को, नॉट एक्स वाई जेड, एबीसी को प्राइवेटली हम किसको इनहेरिट करने जा रहे हैं, एबीसी को इनहेरिट करने जा रहे हैं। उसके अंदर आप क्या लिखते हैं वो आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स वाई जेड नाम का क्लास बना रहे हैं, यूजे भैया बना रहे हैं, प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं किसको, एबीसी को। तो जब प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं, तो बेस क्लास का, कौन सा, एबीसी है ना, तो बेस क्लास का जो भी, यहां से इसको हटा के अगर मैं यहां इसका नाम यहां डाल दूं कि इसका नाम है एक्स वाई जेड, तो बेस क्लास का जो भी प्राइवेट मेंबर होगा, यानी कि बेस क्लास में कौन प्राइवेट मेंबर, ए और बी है, ये इनहेरिट नहीं होता है, पहले बता दिया। अब आइए दूसरा, बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर है, तो बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर कौन सा है, सी और डी है, ये जो डिराइव्ड क्लास है उसके प्राइवेट मेंबर का पार्ट बन जाता है, यानी कि सी और डी यहां प्रोटेक्टेड था, लेकिन चूंकि इस एबीसी को डिराइव किया गया है प्राइवेटली, इसीलिए ये जो प्रोटेक्टेड सेक्शन है वो इस क्लास में आके पार्ट बन जाएगा किसका, प्राइवेट का पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये जो सी और ये डी है वो यहां आ जाएगा प्राइवेट में, किसके, जो डिराइव क्लास है उसके। नाउ जो पब्लिक सेक्शन है, पब्लिक सेक्शन मतलब किसका, बेस क्लास का, पब्लिक सेक्शन कौन सा है, गेट डेटा और पुट डेटा। तो जो पब्लिक सेक्शन है गेट डेटा और पुट डेटा, ये जो है ये भी प्राइवेट बन जाता है। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होगा, बाकी प्रोटेक्टेड और पब्लिक सब कुछ आ जाएगा किसमें, सब कुछ आ जाएगा हमारे प्राइवेट में। तो मतलब ये गेट डेटा फंक्शन और ये पुट डेटा फंक्शन, ये दोनों फंक्शन भी किसका पार्ट बन जाएगा, ये दोनों पार्ट बन जाएगा प्राइवेट का, कौन से क्लास का, डिराइव क्लास का। तो मतलब अब इस गेट डेटा और पुट डेटा को भी आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट सेक्शन है। सी और डी को भी डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। अब इनपुट और आउटपुट के जरिए ही आप गेट डेटा पुट डेटा सी डी एम और एन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोटेक्टेड ओ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये सारे एलिमेंट्स थे और इसमें पहले से ये सारे एलिमेंट्स थे और अगर आपने उसको प्राइवेटली इनहेरिट किया, तो अब जब आपका ये क्लास बनेगा एक्स वाई जेड, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। ये था कब, जब आपने प्राइवेटली इनहेरिट किया। अब आते हैं, इसको सबको डिलीट करते हैं, फिर से पुराने वाले तरीके में डाल देते हैं। प्राइवेट सेक्शन में से क्या था, सिर्फ एम और एन था, ठीक है, बस यही था ना। अब आइए, अब हम कहते हैं कि प्राइवेटली हम इनहेरिट नहीं करेंगे, हम प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और एबीसी। तो प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करेंगे तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनहेरिट करने पे तो भी प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होता है, मतलब ए और बी जो है इनहेरिट नहीं होगा। जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो भी वो जो है यहां प्रोटेक्टेड ही बन जाएगा। प्रोटेक्टेड मेंबर क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड ही बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मेंबर कौन सा है, सी और डी है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। यानी पहले से वो था, यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमने प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया, तो बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर था वो हमारे डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड में चला आया, और साथ ही साथ बेस क्लास का जो भी हमारा पब्लिक था, पब्लिक मेंबर था, वो भी क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड ही बन जाएगा। यानी दोनों का दोनों को प्रोटेक्टेड बना देगा। मतलब जब आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो सब कुछ को प्राइवेट बना देता है, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करते हैं तो सब कुछ को वो प्रोटेक्टेड में लेके चला जाता है। बस ध्यान में रखना है कि प्राइवेट मेंबर तो कभी इनहेरिट होते ही नहीं है। तो यहां पे गेट डेटा और पुट डेटा ये भी किसका पार्ट बन जाएगा, प्रोटेक्टेड का पार्ट बन जाएगा। यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, गेट डेटा और यहां पे क्या आ जाएगा, पुट डेटा। अब आपको एक्सेस करने का तरीका पता है, क्या एक्सेस करने का तरीका है, कि आप फिर से सिर्फ और पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना है तो आपको थ्रू पब्लिक करना पड़ेगा, या प्राइवेट को भी करना है तो थ्रू क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। ये है आपको प्रोटेक्टेड। सबसे अच्छा कौन है, पब्लिक है, कहता है देखिए पब्लिकली भी कीजिएगा तो प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट नहीं होगा, यानी ए और बी तो इनहेरिट नहीं होगा। अगर मैं इसको फिर से कर दूं जैसे पहले था वैसे बिल्कुल, ठीक है, यस। अब मैं क्या कहता हूं कि अब मुझे पब्लिकली इनहेरिट करना है, मतलब मुझे मैंने यहां प्राइवेट लिखा है वो प्राइवेट नहीं लिखना है, प्रोटेक्टेड लिखा है प्रोटेक्टेड नहीं लिखना है, मुझे लिखना है क्या, पब्लिक, पब्लिकली इनहेरिट करता हूं। तो ये सबसे अच्छा बंदा है, कहता है भैया ठीक है प्राइवेट तो सीधे मना कर दिया कि इनहेरिट नहीं होंगे, जो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा उसको प्रोटेक्टेड में ही रहने दीजिए, ठीक है, जो पब्लिक मेंबर होगा उसको पब्लिक में ही रहने दीजिए। इतना अच्छा बंदा है। तो मतलब ये तो इनहेरिट होगा नहीं, सी और डी प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, तो यहाँ सी और डी प्रोटेक्टेड में आ गया, और पब्लिक जो है वो गेट डेटा पुट डेटा है तो वो भी कहाँ आ जाएगा, पब्लिक, गेट डेटा पुट डेटा भी पब्लिक में आ जाएगा। मतलब जो जहां है उसको वहीं रहने देगा डिराइव्ड क्लास में भी। तो ये होता है अगर आप पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो मतलब आसान होता है ना, पब्लिक में क्या समझ में आ जाता है, बिल्कुल आसान समझ में आता है कि जो प्राइवेट था वो तो इनहेरिट हुआ नहीं, जो प्रोटेक्टेड था वो नीचे वाले क्लास में भी आके प्रोटेक्टेड बन गया, जो पब्लिक था वो नीचे वाले क्लास में भी आके पब्लिक बन गया,
तो ये कंपैटिबिलिटी क्या होता है, आसान होता है। याद रखिएगा, अगर इस चीज को अगर आपने समझ लिया कि क्या इनहेरिट होके कहां पे आ रहा है, तो प्रोग्राम लिखना क्या होगा, काफी आसान होगा। हो सकता है एक बार में आपको समझ नहीं आया, वीडियो रिवाइंड कीजिए, बड़े पेशेंस के साथ समझिए, जरूर समझ में आएगा। तो ये था कि अगर हम किसी भी क्लास को डिराइव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, किन किन तरीके से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।